पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग ने भारतीय शेयर बाजार में तूफान ला दिया था। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने बड़ा आरोप लगाया था, जिसकी वजह से समूह की कंपनियों की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। एक बार फिर से हिंडनबर्ग चर्चा में है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। इस पोस्ट ने एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। पिछले 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर जमकर हमला किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी एंटरप्राइज के लिए FPO के पहले आई थी। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू $86 बिलियन घट गई। इसके अलावा अडानी ग्रुप के विदेशियों में लिस्टेड बॉन्ड के भी खूब बिकावली देखने को मिली थी। मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने अडानी और हिंडनबर्ग मामले में एक नया खुलासा किया है। सेबी ने न्यूयॉर्क के हेज फंड मैनेजर को मार्क किंग्सडन और हिंडनबर्ग के संबंधों पर बड़ी जानकारी दी है। सेबी ने कहा कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से 2 महीने पहले ही मार्क किंग्सटन के साथ साझा कर दिया था, जिससे रणनीतिक ट्रेडिंग के जरिए बड़ा लाभ कमाया गया था। 46 पन्नों के इस कारण बताओ नोटिस में सेबी ने कहा कि हिंडनबर्ग और किंग्सटन कैपिटल मैनेजमेंट मई 2021 में रिसर्च एग्रीमेंट किया कर चुके हैं। इसी एग्रीमेंट के तहत जनवरी 2023 में प्रकाशित फाइनल रिपोर्ट के पहले दोनों के बीच ड्राफ्ट रिपोर्ट साझा किया गया था। सेबी की नोटिस से पता चला कि कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने हिस्सेदारी रखने वाले किंग्सटन कैपिटल ने जनवरी 2023 के उथल पुथल के दौरान लाभ कमाया। रिपोर्ट के अनुसार किंग्सटन कैपिटल ने अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड में शॉर्ट पोजिशन लेने के लिए कथित तौर पर $43 मिलियन ट्रांसफर किए। बाद में पोजीशन के जरिए $22.25 मिलियन कमाया था। अडानी ग्रुप की कंपनियां अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर 24 जनवरी 2023 को प्रकाशित हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 3,422 रुपये से लुढ़क कर 1,404.85 रुपया रह गए थे। कंपनी के शेयरों का भाव 59% टूट गया। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि किंग्सटन के दौरान नियंत्रित किए जाने वाले के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने रिपोर्ट पब्लिक होने से कुछ समय पहले ही ट्रेड शुरू किया था, और अब जब रिपोर्ट के अडानी की कंपनी के शेयर लुढ़के तो उन्हें बड़ा लाभ हुआ। वहीं अपने बचाव में किंग्सटन कैपिटल ने कहा कि कानूनी तौर पर वो इस तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं, साथ ही रिपोर्ट पब्लिक होने से पहले उसे प्राप्त करना और उस पर एक्शन लेने की अनुमति रहती है। कोटक महिंद्रा बैंक ने किंग्सटन और हिंडनबर्ग के संबंधों की जानकारी से बिल्कुल इनकार कर दिया है। अब देखने की बात यह है कि क्या हिंडनबर्ग फिर से कोई ऐसी रिपोर्ट लाने वाला है या कोई ऐसा बड़ा खुलासा करने वाला है जिससे इंडिया में फिर से उथल पुथल मच जाएगी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़वेल इंडिया।